गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज आपका कंप्यूटर वायरस डिस्कस करना है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के आपके कंप्यूटर वायरसेस होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक लंबी लिस्ट दी हुई है, कुछ 6 टाइप्स के आपके वायरसेस दिए हैं, 5 टाइप्स के, एंड फिर एक आपका नेक्स्ट पेज पर भी दिया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोग्राम वायरस के बारे में। ये आपके प्रोग्राम वायरसेस जो होते हैं, ये आपके किन टाइप्स की फाइल को हैंडल करते हैं, जो आपकी प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, जिसमें आपके एक्सटेंशन होते हैं .com, .exe, .sys, .dll, .ovl, .scr। ये मेनली इन सभी फाइल्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं फाइल्स का यूज़ होता है। जैसे ही आप अपनी कोई भी ओपन करते हैं फाइल, आपका जो ये वायरस अटैच हुआ होता है आपकी फाइल से, ये अपने आप एक्टिव हो जाता है। अमीबा डॉट ए है, संडे है, कैस्केड है, एसिड रेन, एलियन डॉट 298, अम्ब्रेला डॉट 3173, ये सभी आपके प्रोग्राम वायरसेस हैं। फिर आपके देखते हैं बूट सेक्टर वायरसेस। बूट सेक्टर मीन्स बूट इन्फॉर्मेशन यूज बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी आपका इन्फॉर्मेशन बूटिंग के लिए यूज होती है, ये सभी आपके वायरसेस, जहाँ पे आपके जो इन्फॉर्मेशन आपकी बूट कंप्यूटर को बूट करने की तरह टाइम यूज़ होती है, तब आपका इनका यूज़ होता है। ये सभी वायरसेस वहाँ पर आपके बूटिंग के टाइम आपके खुद को अटैच कर लेते हैं हार्ड डिस्क से, एंड फिर आपके वर्क करते हैं। सम एग्जांपल्स जो हैं इनके, वो है डेनियस बूट, डिस्क किलर, डेविल डॉट 941, माइकल एंजलो एंड स्टोन वायरस। ये आपके कुछ वायरसेस हैं। माइक्रो वायरसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अगर हम, तो ये जो माइक्रो वायरसेस हैं, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज़ करते हैं अपने आप को स्प्रेड करने के लिए। ये आपके उन डॉक्यूमेंट्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एंड इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके स्प्रेड हो जाते हैं एक से ज़्यादा में, एक से दूसरों में, विथ सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। जो आपके दूसरे एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनसे वो मिलकर और भी ज़्यादा अपने आप को बढ़ा लेंगे। एज यूजर्स शेयर इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, दीज वायरसेस रैपिडली स्प्रेड। जैसे जैसे आप इन डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं, आपके जो ये वायरसेस हैं, ये आपके स्प्रेड हो जाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो वायरसेस आर कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियर और मेलिसा। ये आपके कुछ माइक्रो वायरसेस के एग्जांपल हैं। फिर है मेमोरी रेजिडेंट वायरसेस। इन वायरसेस का यूज़ क्या होता है, ये आपके मोर एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि ये आपके रैम के अंदर होते हैं, ये आपका कंट्रोल कर लेते हैं सिस्टम एंड खुद को मेमोरी ब्लॉक की तरह यूज़ करते हैं। इट एक्टिवेट्स इट सेल्फ देयर एंड इफेक्ट्स फाइल्स एंड सिस्टम एंड एरियाज। ये आपका जो है रैम वाले, ये आपके सिस्टम फाइल्स को करप्ट करते हैं एंड उन्हीं को इफेक्ट भी करते हैं। कुछ जो इनके एग्जांपल्स हैं, वो आपके हैं रैंडेक्स है, CMJ है, मीवी है, मिस्टर क्लंकी है, ये सभी आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर है आपका रूट किट वायरस। रूट किट वायरस जो है, ये आपका अनडिटेक्टेबल वायरसेस होता है, जिसे हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते। दे डायरेक्टली डैमेज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। किस पे सीधे इफेक्ट करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। इट अटेम्प्ट्स टू अलाउ समवन टू गेन कंट्रोल ऑफ योर सिस्टम। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सिस्टम का कंट्रोल जो है वो दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सिस्टम का कंट्रोल दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। एंड नॉर्मली डिस्कस्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स। एंड कैसे डिस्कस किए जाते हैं, आपकी खुद को अपने आप को दूसरे रूप में चेंज कर लेते हैं, डिस्गाइज कर लेते हैं एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ रूट किट वायरसेस आर win32k.sys, pdcomp, msstart, etc. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं आपके सिलेबस में। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, ये जो आपका है, आपका एक पॉलीमॉर्फिक वायरस है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर लें, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट है इस पर। यह आपको क्या करता है, ये आपके खुद को डिफरेंट डिफरेंट वेज में इनकोड कर लेता है, इनक्रिप्ट कर लेता है।
एंड एवरी टाइम इट इन्फेक्ट्स अ सिस्टम. सो लेस सोफिस्टिकेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन नॉट डिटेक्ट इट ईजिली. जो आपके नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं वो डायरेक्टली इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते. दिस अलाउ देम टू क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज देमसेल्व्स विद डिफरेंट सिग्नेचर्स. ये करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके डिफरेंट टाइप्स के बग्स होते हैं एंड इन्हें ये खुद को दूसरे से डिस्गाइज कर लेते हैं दूसरे दूसरे रूप में. सो स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं. जो एग्जांपल्स हैं आपके ये हैं एल्कर्न है, मार्कबर्ग है, सैटन बग है, ट्यूरेग है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं. सो स्टूडेंट्स हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू.